आज वीडियो हिंदी में रहेगा और इसमें हम देखेंगे टैंक का कंटेंपरेचर कंट्रोल, जैसे आप बियर में होता है यूनिट टैंक या सीसीटी बोलिए, सिलेंडर को निकल रहे हैं जिसमें बियर फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें क्या होता है हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। जस्ट लाइक जैसे कि आप टेम्परेचर -15 सेट किए तो ग्लाइकोल जैसे चिलिंग प्लांट से उसको कूलिंग करता है, ऐसा रेफ्रिजरेशन से हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोल सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो क्या करता है वो सीसीटी पे आके इसको कूलिंग करता है, अगर हमारे प्रोसेस वैल्यू पॉजिटिव में है या सेट पॉइंट से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा सोलनॉइड कॉइल को ऑन करेगा, सीसीटी को कूलिंग करेगा, जब टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो साफ ऑफ हो जाएगा और फिर इफ़ प्रोसेस वैल्यू से कम आएगा तो फिर ऑन हो जाएगा। जैसे आप इसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये डेल्टा में है और सिमुलेशन मैं इस SMI में कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स कुछ कुछ है, दो मैंने टैंक लिया है CCT1 CCT2, ये PV प्रोसेस वैल्यू है और SB सेट पॉइंट वैल्यू है मेरा। यहाँ पे RTD1 RTD2 देख रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि CCT में दो RTD हैं, एक लोअर बॉटम में एक अपर बॉटम में। तो क्या करता है नीचे का टेम्परेचर और ऊपर टेम्परेचर हम सेंस कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग प्रेसिंग दिस स्विच टू मोड स्विच। ओके तो एक दूसरा भी है मेरे पास इस स्क्रीन, ये जो है बायसिंग के लिए, अगर कैलिब्रेट कर दे टाइम प्रोसेस वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है तो हम उसको बायस कर सकते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा बायस क्या करता है। और एक है हिस्टेरेसिस है जो हम इस बोलते हैं इसको, इसमें क्या है कि कितने टाइम जैसे फर्स्ट टाइम ये आपका सेट पॉइंट मीट कर गया -15 और प्रोसेस वैल्यू -15 पहुँच गया तो कॉइल ऑफ हो जाएगा, तो फिर ये ऑन कब होगा ये हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप 2 रखेंगे तो 15 में -2 करेंगे तो आपका आएगा 13 में आके स्टार्ट होगा, ये फिर जब 15 ऑफ होगा फिर 13 में स्टार्ट होगा, अगर 0 है तो 15 ऑफ होगा, 15 थोड़ा सा नीचे आते ही फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका मतलब बायस का, तो आप अभी कुछ देर पहले बता ही दिया कैलिब्रेशन में टाइम यूज होता है ये। और इसके बाद ये ट्रायल हम करते हैं, ये एक मैंने फंक्शन बना रखा है जो मैं मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ, जैसे एक फंक्शन है उसको मैं 2 बार यूज़ किया हूँ Tank1 Tank2 करके। और इसमें आप वैल्यू देख सकते हैं क्या क्या है, ऑटो मैनुअल सिलेक्शन है, देखिए यहाँ पे जैसे ये ऑटो मैनुअल सिलेक्शन है, ये अगर मैनुअल है तो ये ऑन होगा, ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअली, अगर ऑटो में है तो प्रोसेस अपने आप काम करेगा। ये सेट पॉइंट है, प्रोसेस वैल्यू RTD1 का या RTD2 का वो सिलेक्शन है, यही 16 हो गया। इधर आउटपुट एक कॉइल है सोलनॉइड कॉइल से, जैसे ग्लाइकोल फ्लो वो वॉल सोलनॉइड कॉइल कीजिए, बॉल एनोमेटिक यूज़ कीजिए, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको पहले सिमुलेट करके देखते हैं, जैसे तो मैंने चेक कर चुका हूँ फिर भी अब आप लोग के लिए, इमरजेंसी भी ऑन सब कुछ ऑन है, हम करते हैं इसको HMI से सिमुलेट। इनिशियल कंडीशन क्या है, यहाँ पर इमरजेंसी ठीक है प्रेस्ट नहीं है, और हम यहाँ पे सेट पॉइंट में प्रोसेस वैल्यू को मैं स्लाइडर से यूज कर रखा हूँ, यहाँ पे स्लाइडर से प्रोसेस वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज प्रोसेस वैल्यू हमारा 10 है और सेट पॉइंट हमने -15 रख दिया। ठीक है, सिर्फ अभी CCT1 का देखते हैं, RTD हमारा 1 है, अगर 1 का प्रोसेस वैल्यू 10 है ये RTD1, अगर 2 का प्रोसेस वैल्यू हम चेंज कर देते हैं इसको भी मानिए, इसका भी हमारा 15 है, सेट पॉइंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, RTD1 से चेक करते हैं, ये मैनुअल मोड में भी है, मैनुअल मोड में क्या है ये ऑप्शन आएगा ऑन ऑफ कर सकते हैं, अभी ऑन कर सकते हैं, अभी क्या ये ऑफ है फिर ये ऑन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर में। ठीक है,
ये मैनुअल में क्या है कि ये सेट पॉइंट प्रोसेस वैल्यू में कोई मतलब नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैनुअली ऑन कर रहे हैं, सीलिंग कर रहा है, मैनुअली ऑफ करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं करेगा, ऑफ ऑन ऑन ही रहेगा जब तक आप ऑफ नहीं करेंगे। तो ऑटो मोड में क्या है, तो देखिए प्रोसेस वैल्यू सेट पॉइंट वैल्यू से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो मतलब ऑन है, तो हमको कूलिंग करना है इसको। कूलिंग का मतलब टेम्परेचर घटते जाएगा, टेंशन घटते घटते जाएगा, तो जैसे घटते जा रहा है ये कूलिंग हो रहा है, घटते जा रहा है, मानिए ये आपका आएगा 12 हो गया, 13, 14, 15, यहाँ पे 15 में ऑफ हो गया, जितना ही चाहिए ऑफ ही रहेगा 15 तक। एक से अब यहाँ पे मैं बात किया था हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस का यहाँ पे दो रखा, चलिए मैं इसको पहले 0 में देखते हैं, 15 है, 15 से नीचे आते ही ऑन हो जाएगा ये, देखिए 40 पे ही ऑन हो रहा है, फिर 15 में ऑफ होगा जी, ऊपर तो ऑफ ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हिस्टेरिसिस चेंज करते हैं, मानिए हम इसको 4 रखते हैं, ठीक है 4, ओके कितना भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ चलते हैं, हमने रखा था 5, तो 5 में मतलब 10 में जाके स्टार्ट होगा, अब ये नहीं हो रहा, नहीं ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ 10 में हुआ, फिर जाके 15 में ऑफ होगा, फिर करेंगे 10 में आएगा, देखिए ये हिस्टेरेसिस का मतलब ये है कि आप कितने डिफरेंशियल कितना रखेंगे स्टार्ट होने में, ठीक है। मैं फिर इसको डिफरेंस रखता हूँ 3, ये रखता हूँ, तो 15 माइनस 3 प्लस 12, 12 में जाके स्टार्ट होना चाहिए, देखिए 12 में स्टार्ट हुआ, 15 में ऑफ, ठीक है। ये हिस्टेरेसिस का मतलब, हिस्ट्री को भी हम 0 ही रखते हैं, कंफ्यूज कर देगा। अब आता है बायसिंग का, जैसे अब आरटीडी चेक करेंगे, कैलिब्रेशन भी आप थर्मोमीटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थर्मोमीटर चेक करेंगे, आरटीडी का वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मानिए आपका एग्जैक्ट नहीं है, रियल टाइम दिखा आपका कैलिब्रेशन करते टाइम एक्चुअल वैल्यू है, मैं समझिए 16, पर आपका प्रोसेस वैल्यू दिखा रहा है 15, तो हम इसको सेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी तो माइनस में, तो माइनस या माइनस रखना पड़ेगा, तो मेरे को ओके तो आप कैलकुलेट करते टाइम आप ये डिसाइड करेंगे या माइनस रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए अब 16 आ गया, ठीक है। और बाकी उसके बाद पोस्ट सब सेम ही है, 15 में ऑफ, 14 में ऑन, हिस्टेरिसिस रखेंगे तो अपने हिसाब से, और यहाँ से दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं हम, दूसरा आरटीडी, दूसरे आरटीडी का प्रोसेस वैल्यू 15 है, सेम इसमें लॉजिक वही है जो मैंने आपको इस दिखाया, बस ये है कि आप सिलेक्शन आरटीडी सिलेक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यार 62 का, 62 का प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, मैं जस्ट कॉपी किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फंक्शन को मैंने कॉपी किया, जितना मेरे पास आठ कितने भी टैंक चाहिए मेरे को उस हिसाब से मैं कॉपी कर सकता हूँ, तो ये प्रोसेस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, RTD1 ये सेम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाइंस तो कोई प्रोसेस नहीं है, जस्ट कॉपी किया है, उसके बाद पैरामीटर्स चेंज किए हैं, वेरिएबल्स बस इतना ही है, ओके। तो आज के लिए बस इतना, और इसका अगर आपको प्रोग्राम चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए नीचे, मैं करता हूँ, सेंड करूँगा आपको, या मेरा आईडी मेंशन कीजिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।